अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं क्या? तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिठाई। मिठाई किसकी मिठाई बनाएंगे आज हम? आज हम कॉर्न फ्लावर की मिठाई बनाएंगे। तो कॉर्न फ्लावर की मिठाई कैसे बनती है ये हम आपको दिखाते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पर हमने ले ली है एक कटोरी, हमने ले ली है चीनी, और एक कटोरी हमने ले लिया है कॉर्न फ्लावर, और एक कटोरी हमने ले लिया घी। तो घी यहाँ हम पूरा एक नहीं करेंगे, जितने चमचे घी जाएगा इसके अंदर तो उतना ही हम आपको बताएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे पूरी कटोरी ली है, और यहाँ पे हमने कलर वाइज लिया है जर्दे का कलर। ये हमने कलर लिया है असली जर्दे का कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कप हमने ले लिया है पानी। तो पानी कितना ऐड होगा वो हम आपको दिखाएँगे। तो अभी हम जो है रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो जी व्यूअर्स, यहाँ हमने ले लिया है कॉर्न फ्लावर। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ले लिया है कॉर्न फ्लावर। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको इसका लिक्विड बनाते जाएंगे। इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड नहीं बनाना है, हमें इसको पतला रखना है। तो ये देखें, ये पूरा एक कप इसमें पानी जाएगा। ये देखें, पूरा एक कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छी तरह इसको घोल लेना है। अच्छी तरह ये घुल जाएगा। तो घुल जाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये मिठाई बनेगी। तो ये देखें, ये जैसे ही ये पानी में जाता है थोड़ा ये जम जाता है। तो इसको हमें इस तरह करके इसको चलाते रहना है। ये देखें, ये अच्छी तरह ये चल जाएगा, ये चलना घूम जाएगा, और फिर ये इसका अच्छी तरह मिक्सचर बन जाएगा। और इसका मिक्सचर हमें रखना है पतला, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है हमें। तो अभी हम यहाँ पे आधा कप पानी हम और मिलाते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आधा कप पानी और ले लिया है, क्योंकि हमें इस मिक्सचर को करना है पतला, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये देखें, ये दूध की तरह बिल्कुल पतला हो चुका है। तो अब इसे हम अच्छी तरह इसको मैश करके अच्छी तरह इसको चला के इसको फिर हम इसको छोड़ते हैं। फिर हम तैयारी करते हैं, चूल्हे की तरफ जाते हैं और चीनी का हम शीरा तैयार करते हैं। ये देखें, अच्छी तरह इसका हमने कर लिया है शीरा का तैयार ये मिक्सचर। अरारोट, इसको उर्दू में अच्छे अरारोट भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉर्न फ्लावर कहते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूँ, इसको अरारोट भी कहते हैं। तो ये अरारोट है जो लई के तौर पे भी काम आता है, और ये और कहने वाले इसको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे। तो जी ये देखें, ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार। अब हम तैयारी करते हैं अपने शीरे की। अब शीरा हम तैयार करते हैं, तो इसे हम रख देते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे पैन हमारा हो रहा है गरम। तो जब तक पैन हमारा गरम होता है फिर हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। अच्छा देखें, आप जो है ना बर्तन कहीं से भी निकालें, कहीं से भी उठाएं, कैबिनेट में से निकालें, लेकिन बर्तन को हमेशा धो करके यूज़ करें। तो इसलिए धोने से ये होता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं कैबिनेट में, तो वो जो है उससे गंदा हो जाता है। तो आप उसको जो है बर्तन को हमेशा धो करके यूज़ करें, वॉश करके यूज़ करें, ठीक है। तो जी जनाब, ये देखें, ये हमारा जो है पैन हो गया है गरम। यहाँ पे हम डालते हैं चीनी एक कटोरी। मैंने यहाँ पे जो एक कटोरी की चीनी ये मैंने इसलिए ली क्योंकि हम थोड़ा मीठा कम खाते हैं, सही। और यहाँ पर देखें, मैं ये एक कप में ले रही हूँ यहाँ पर पानी। अच्छा, यहाँ पे जो है मुझे जो है चीनी की जो ना मुझे शीरा तैयार नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो मुझे यहाँ पे चीनी का शीरा तैयार नहीं करना। तो यहाँ पे जो है जो चीनी का मैं शीरा तैयार नहीं करूँगी, ना एक तार का ना दो तार का। यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे इतना पकाना है इसको शीरे को कि चीनी इसमें बिल्कुल मेल्ट हो जाए। चीनी इसमें जैसे ही मेल्ट होगी तो बस इसमें फिर हम जो है ये हमने जो ये मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है कॉर्नफ्लावर का, तो ये हमें इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखें, चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसे हम मेल्ट करते हैं, इस तरह से चलाते रहेंगे। तो अभी देखें, हमारे चूल्हे की जो आँच है वो हमने थोड़ी तेज़ रखी हुई है ताकि हमारी चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए, सही है। और जैसे ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे तो थोड़ा करके डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे आप, क्योंकि आपने अगर एकदम डाला तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं और हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, और मुस्तकिल इसे चलाते रहना है जब तक हमारा हलवा तैयार नहीं हो जाता। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमने जो है जैसे ही हमने कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, वो ऐड करते के साथ ही हमें जो ऐड करने से पहले ही बल्कि हमें
चूल्हे की आँच जो हमें मीडियम कर लेनी है। मीडियम करने के बाद फिर हम उसको कॉर्न फ्लावर को डालना शुरू करेंगे, क्योंकि हम अगर तेज़ आँच पे ये हलवा बनाएंगे तो हलवा पैन में हमारे लग सकता है। और भले से आपका पैन लगने वाला नहीं हो, लेकिन ये कॉर्न फ्लावर ऐसा है ये चिपकता है ये बर्तन पे, तो इस वजह से आप जो है इसको हल्के 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 चलाते रहें। ये देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। जी तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये मैंने इसको यहाँ पे हल्के हल्के डालना शुरू कर दिया है। ये एकदम नहीं डालेंगे, हल्के हल्के डालेंगे हल्के हल्के, इससे ये होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और आँच मैंने चूल्हे की कर दी है हल्की, अगर हम आँच ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये लग सकता है। तो ये देखें ये हमने इसमें डालना शुरू कर दिया है। आहिस्ता 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 चलाते रहें इसको, हाथ आपका बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ बन गई तो हमारा ये हलवा ख़राब हो सकता है। तो ये देखें ये हमने डाल दिया पूरा, ये देखें सही है। अब हम इसको चलाते रहेंगे, तो ये देखें ये हमने चलाते रहना है हल्के हल्के, और हल्की आँच इसकी रखनी है हमने, हल्की आँच पे ये पकता रहेगा हमारा। और इसको जो है चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप तेज़ यानी कि कटोरी भर के चीनी ले सकते हैं। तो मैंने कटोरी के थोड़े से मुँह से थोड़ा कम रखी थी चीनी, क्योंकि मीठा थोड़ा हम कम लेते हैं, ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमने मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक हमारा हलवा पकना शुरू ना हो जाए। तो ये देखें इसमें जो है बनना शुरू हो गए हैं, इसमें लम्स बनना शुरू हो गए हैं, देखें ये देखें ये हमारा हलवा हर जगह से हमने चलाना है, कहीं से नहीं रुकना है, ये इसको चलाते रहना है हमने और हल्की आँच पे। ये देखें इसमें लम्स बनना शुरू हो गए हैं, ये देखें ये आहिस्ता 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 अपना काम करता जा रहा है। तो हमने इसे मुस्तकिल चलाते रहना है, हाथ इसमें नहीं रोकना है, जहाँ हमने हाथ रोका तो ये इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो सकती हैं। तो इसलिए ये देखें माशाल्लाह इसमें लम्स बनना शुरू हो गए हैं, ये बन रहा है अपना। और देखें ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा हलवा जो है इसका जो पानी है वो जो ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखें ये हमारा इस पोजिशन पर आ गया है, हलवा हमारा जो है बनने जा रहा है। देखें ये माशाल्लाह इसमें जो है ना गुठलियाँ हम बनने नहीं देंगे, ये इसको मुसलसल हम चलाए चले जा रहे हैं। देखें माशाल्लाह अच्छी पोजिशन पर आ गया है और ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, से देखें माशाल्लाह ये हलवा हमारा तैयारी पर है। तो ये देख रहे हैं व्यूअर्स आप, तो ये देखें व्यूअर्स ये देखें ये हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम जो है एक चम्मच हम घी लेते हैं, तो ये देखें ये यहाँ पर हम करेंगे घी ऐड। ये देखें ये हम घी डाल रहे हैं एक चम्मच, और ये हमने डाले दो चम्मच। अब हमें इसे चलाना है, ये देखें छोड़ना बिल्कुल नहीं है हमने। ये देखें घी चलाते वक्त हमने छोड़ा था इसे, और घी को हमने अच्छी तरह इसमें चलाते रहना है। और देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होगा। ये देखें इसको मुसलसल हमने चलाते रहना है। ये देखें इसको घी इसमें अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो गया है। ये देखें इसको बस में चलाते रहना है, हाथ हमारा नहीं रुकना चाहिए, बस इसको थोड़ी हाथ की मेहनत है इसके अंदर। ये देखें जो घी हमने डाला था इसमें वो घी हमारा देखें बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया, अच्छी तरह पेरस्त हो गया है। अब हम यहाँ पर जो है घी थोड़ा और डालेंगे, दो चमचे हमने घी डाल चुके हैं, और ये एक चमचा और ये दो चमचे, ये चार चमचे घी हमारा हो गया है। अब ये डाल के हमें चलाना है, ये देखें आँच हमने इसकी मीडियम रखी है, आँच हमने तेज़ नहीं करी है, क्योंकि अगर हम आँच इसकी तेज़ करेंगे तो ये जल सकता है, तो जल के हलवा हो जाएगा ख़राब, इसलिए हमने हलवा ख़राब नहीं करना है। ये देखें माशाल्लाह हलवा हमारा बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। तो ये देखें व्यूअर्स ये अच्छी तरह हलवा हमारा चल रहा है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है, घी अच्छी तरह इसके अंदर नज़र आने लगा है। ये देखें ये समझो जब पैन जो है ये छोड़ दे इसको हलवे को, तो आप समझें कि ये हलवा हमारा
तैयार हो चुका है। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता पैन ने जो है हलवे को छोड़ना शुरू कर दिया है, चिपक नहीं रहा है। ये देखें ये बासानी घूम रहा है और अच्छी तरह ये घी इसके अंदर अच्छी तरह पेवस्थ हो गया है। तो ये देखें हाथ का काम है, बस इसमें सारा थोड़ा एक घंटा आधा घंटा लगता है, लेकिन चीज़ आपकी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन तैयार हो जाती है। तो ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार और बहुत सॉफ्ट हलवा बनता है ये। अपने घर में बनाएं, अपने फैमिली को खिलाएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कुछ नहीं जाता आपके, सिर्फ 2 मिनट आपके होते हैं वेस्ट, और इन 2 मिनट में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। तो जी जनाब ये देखें, और मज़ीद अगर आप मेरे से कुछ बनवाना चाहते हैं या मेरे हक का कुछ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। जो भी मिठाई आप मुझे बोलेंगे या जो भी रेसिपी खाने की या बिरयानी की या फिर सालन की कोई भी रेसिपी एक्स वाई जेड, वो मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊँगी। तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। तो ये देखें ये पैन हमारा छोड़ने लगा है बिल्कुल, ये हलवा हमारा तैयारी पर है। ये देखें ये चिपक नहीं रहा है बिल्कुल, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसको डालेंगे, ग्रीस करके हमने एक बर्तन रखा है उसमें हम डालेंगे। अब हम चलाते हैं मज़ीद जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैंने ये देख सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे जो है मैंने जर्दे का कलर ऐड कर दिया था। मैंने आपको दिखाया था ये फूड कलर, जो इसमें ये कलर मैंने आपको दिखाया था, ये देखें ये कलर मैंने फूड कलर ऐड करा है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, कलर डालने से माशाल्लाह हमारे हलवे का कलर कितना अच्छा हो गया, कितना ग्रेसफुल हो गया है। क्या आप देख सकते हैं हलवा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, बहुत कलरफुल माशाल्लाह से तैयार हो गया है हलवा। और ये देखें जैसे ही हमारा ये पैन जो है छोड़ना शुरू हो जाएगा, ये पैन को हमारे हलवा जो है जैसे ही छोड़ना शुरू कर देगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसको मुस्तकिल चलाते जाना है। अभी देखें हमारे ये हलवे ने पैन को छोड़ा नहीं है, अभी हमारा हलवा बाकी है जी। बस ये आप देख सकते हैं कढ़ाई में जो है हमारे ये पैन ने अब इसको छोड़ दिया है और छोड़ना शुरू कर दिया है बिल्कुल। तो अब इसको हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। आप कोई टीन का डब्बा ले लें या कोई टीन पैक ले लें, या नहीं देखें ये मैंने ये प्याला लिया है, मैंने इसको अच्छी तरह इसको ग्रीस कर लिया है घी लगा के। तो आप भी इसको पहले बिछाने से पहले हलवे को तो ग्रीस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं खुशबू के लिए जो है खुशबू के लिए यहाँ पे मैं केवड़ा एसेंस मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि इसमें मिठाई में हमारी अच्छी खुशबू आ जाए। और इसको आप देखें हम इसको डिश आउट करके दिखाएँगे। देखें यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा मैंने पिस्ता बिछा दिया है डालने से पहले, अब यहाँ पे हम ये डालना शुरू करते हैं। ये देखें ये हमने लम्स इसमें ऐसे बनना चाहिए कि ऐसे गिरे हलवा आपका, ऐसे लम्स बनना चाहिए। ये देखें ये सारा हलवा जी व्यूअर्स ये हमने डाल दिया है इसको प्याले में। तो आप अगर चाहें तो इसको किसी टीन का जो आता है टीन पैक, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, तो के अंदर आसानी रहती है। और हमारे पास ये था तो हमने इसी के अंदर ही काम चलाया अपना। तो ये देखें माशाल्लाह ये जमने के बाद ये हलवा हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ेंगे कम से कम, तो यहाँ पे हम इसको कम से कम 1 घंटा हम फ्रिज में रखेंगे, नीचे रखेंगे, हम फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। तो नीचे फ्रिज में हम इसको रखेंगे और फिर हम आपको दिखाएँगे कि ये बनने के बाद मिठाई हमारी किस लुक में आई है। तो यहाँ पे हम ये पिस्ता ऐड कर देंगे ताकि पिस्ता से इसकी छुट्टी वादे हो, और इसको इस तरह ऊपर प्रेस कर देंगे ताकि ये निकले ना, ये अंदर तक बैठ जाए। ये देखें चलें अब इसको हम नीचे फ्रिज में रखते हैं 1 घंटे के लिए। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मिठाई हमारी हो गई है, हलवा हमारा हो गया है तैयार। मिठाई कह लें या हलवा कह लें एक ही बात है। और यहाँ पे हमने फ्रिज में जो है हमने 1 घंटा रखा था, 1 घंटे बाद हमने आपको निकाल के दिखाया है। अब हम इसे ट्रे में शिफ्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स यहाँ पे हमने देखें इसको पलट लिया है। अब इसको हम जो है आहिस्ता से उठाते हैं,
ये देखें ये मिठाई हमारी हलवा जो है निकल चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा जो ये हलवा केले मिठाई केले में माशाल्लाह बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त हमारी मिठाई तैयार है। तो अब हम इसे कटिंग करते हैं। जी व्यूअर्स यहाँ पे देखें अब हम इसको करते हैं कटिंग। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तो बहुत ज़बरदस्त मिठाई बनी है, बहुत सॉफ्ट है और यूँ कह लें कि आप ये जेली की तरह जो है बन के ये हो गई है तैयार। जी यहाँ से अब हमने कर लिया है कटिंग। अब हम ट्रे को घुमाते हैं, अब हम इसको यहाँ से कटिंग करते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह अलग अलग हो गई है बिल्कुल और बहुत अच्छी बहुत सॉफ्ट बनी है ये। ये देखें तो जी व्यूअर्स ये देखें ये कट चुकी है हमारी मिठाई और तैयार हो गई है। तो ये देखें ये माशाल्लाह ये देखें ये हो गई है तैयार। ये देखें तो अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बहुत सॉफ्ट मिठाई बनी है। ये देखें सॉफ्ट देखें ये देखें सॉफ्ट कितनी है माशाल्लाह। ये देखें कितनी सॉफ्ट है ये कितनी इजी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई बनी है। तो जी व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं मिठाई हमारी हो गई है तैयार, बड़ी सॉफ्ट सी बड़ी मज़ेदार सी और देखें कितनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। ये देखें कितनी मज़ेदार कितनी अच्छी मिठाई बनी है और बिल्कुल भी कहीं से भी कुछ ख़राब नहीं हुई है और माशाल्लाह से खाने में भी मज़ेदार है और बहुत ज़बरदस्त है। तो आप बाहर से लेने से अच्छा है अपने घर में मिठाई बनाएं, ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, घर वाले भी खुश आप भी खुश। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी मिलती है, मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है। फिर तो जी जनाब अभी मिठाई हमारी हो गई है तैयार और इंशाल्लाह हम दूसरे दिन भी आपको जो है मिठाई की ही रेसिपी दिखाएंगे और वो मिठाई भी हम बनाएंगे किस तरह वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस रेसिपी को मेरी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।